हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। और आप जानते हैं हम बाज़ार से पॉपकॉर्न खरीदते हैं कितने महंगे पड़ते हैं, तो अभी आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका घर पर पॉपकॉर्न बनाने का बता रही हूँ जिससे आप आसानी से घर पर पॉपकॉर्न बना सकते हैं। बहुत कम पैसे में आप ढेर सारे पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें जो पॉपकॉर्न के ये बीज लेने होते हैं वो अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कई तरह के आते हैं। हमें ये गोल गोल से, आप देख रहे हैं ना, इसका दाना बिल्कुल गोल गोल सा है, यही वाला पॉपकॉर्न लेना। जो चपटे या इससे बड़े आकार का पॉपकॉर्न आता है हमें वो नहीं लेना है। हमें ये मक्के के दाने यही गोल गोल वाले से ही लेने हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप दूसरी तरह के मक्के के दाने लेंगे तो आपका पॉपकॉर्न अच्छे से नहीं फूलेगा। हमें यही वाले पॉपकॉर्न लेने हैं जो बिल्कुल गोल गोल से और थोड़ा छोटे आकार में होते हैं। जो बड़ा वाला आता है वो, उससे हमें पॉपकॉर्न बनाना नहीं होता है, हमें यही पॉपकॉर्न के दाने लेने होते हैं। ये मैंने दो मुट्ठी दाने ले लिए हैं, इससे हमारे ढेर सारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आज मैं आपको घर पर बहुत आसानी से कुकर में पॉपकॉर्न, 2 मिनट में आपके पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल कुरकुरे से। तो चलिए मैं आपको पॉपकॉर्न बनाना बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने एक गैस पर एक कुकर चढ़ा दिया है। इस कुकर में हम सिर्फ 1 चम्मच तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, सिर्फ 1 चम्मच तेल हमने डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो गया है, हमें थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अगर आपको फ्लेवरफुल चाहिए तो आप नमक डालिए, वरना आप प्लेन भी बना सकते हो। मैं तो इसे नमक के साथ बना रही हूँ। और ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालिए, सिर्फ नमक ही डाल के आप बना सकते हैं। ये डालकर हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। आंच को अभी हम धीमा ही रखेंगे। अब हमारा नमक और मिर्च हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी ये दाने। आप 1 मुट्ठी ही इसमें डालिएगा, इसमें आपको बहुत ढेर सारे। और इनको थोड़ा सा आंच को आप तेज़ कर लेंगे और इनको हिलाते हुए पकाएंगे। और इसी स्टेज पे हमें कुकर का ढक्कन, सीटी निकाल कर और इसकी रबड़ निकाल करके तैयार कर लेना है। हमें इसमें सीटी और रबड़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, लगाएंगे नहीं, हम इसे निकाल करके ही ढक्कन ढकेंगे इसमें। तो अभी हम इसको तेज आंच पर थोड़ा सा हिलाए डुलाएंगे और जब इसमें दाने, ये देखिए अब इसमें से दाने फूटने लगे हैं। बस अब इसी स्टेज पर हम कुकर का ढक्कन, रबड़ और सीटी निकाल करके लगा देंगे और इसका थोड़ा सा तेज आंच पर ही थोड़ा सा हिलाते डुलाते हुए थोड़ी देर रुक रुक करके हिला करके इसको पकाएंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी ना, अंदर से हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं। अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो हमारे पॉपकॉर्न नीचे से जल जाएंगे और कुछ दाने जो ऊपर अटकते रह गए हैं उनसे पॉपकॉर्न नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हिला देना है। आप देखेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके सारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी भी आपको इसमें से आवाज़ आ रही होगी। हम इसको हिला करके सारे पॉपकॉर्न तैयार करेंगे। अब इसमें से आवाज़ आना बंद हो गई है, लेकिन फिर भी अभी हम गैस बंद नहीं करेंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे हिला कर थोड़ी देर, बस मुश्किल का 10 सेकेंड आपको इसे हिला के करना, ताकि आपके पॉपकॉर्न बिल्कुल करारे रहें। ऐसे ही हिला कर पकाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ढक्कन खोलकर कि हमारे पॉपकॉर्न कैसे बने हैं। ये देखिए, बन गए हैं ना हमारे पॉपकॉर्न बिल्कुल फूले फूले से, एक भी दाना नीचे रह नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं इन्हें निकाल करके दिखा देती हूँ।
एक प्लेट में मैं इन्हें निकाल कर दिखा रही हूँ। देख रहे हैं कितने अच्छे पॉपकॉर्न बने हैं। इसी तरह से हम अपने और भी कुक बना लेंगे पॉपकॉर्न। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो मुट्ठी मक्के के दाने से ही कितने ढेर सारे पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख रहे हैं ना, एक एक दाना बिल्कुल फूला हुआ है, एक भी दाना इसमें बिना फूला नहीं है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से फूल करके तैयार हुए हैं। आप बिल्कुल कम पैसे में थोड़े से मक्का के दानों से ढेर सारे पॉपकॉर्न बनाकर ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।